भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में 277.1 मिलियन वाहनों में से कम 75% दो पहिया वाहन हैं। अकेले दिल्ली में 13 मिलियन पंजीकृत वाहनों से कम 7.3 मिलियन दो पहिया वाहन हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 14 साल से कम उम्र के 2700 से ज़्यादा बच्चों और 18 साल से कम उम्र के 14,000 से ज़्यादा बच्चों की सड़क हादसों में मौत हुई है। 2016 में केंद्र ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए दो पहिया वाहनों पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया। पिछले साल अक्टूबर से केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस मुद्दे पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी। मंत्रालय ने फिर 15 फरवरी 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अंतिम अधिसूचना जारी की। हालांकि इसमें कहा गया है कि नियम एक साल बाद लागू होंगे, यानी 15 फरवरी 2023 से इन्हें लागू किया जाएगा। तो क्या है ये नया नियम, मैं आपको बताता हूँ। नए नियम में कहा गया है कि 9 महीने से 4 साल की उम्र के बच्चे जो दो पहिया वाहन के पीछे सवारी कर रहे हैं, उन्हें हेलमेट पहनना होगा और सवार के साथ जुड़ा एक सुरक्षा कवच यानी हार्नेस पहनना होगा। यदि हार्नेस नहीं पहनते हैं तो गिरने की संभावना रहती है। किसी भी घटना से बचने के लिए नया नियम बनाया गया है। सेफ्टी हार्नेस अच्छी गुणवत्ता का, वाटरप्रूफ, वायु प्रदूषण से बचाव आदि का होना चाहिए। यह हल्का होना चाहिए और बच्चों के लिए हल्का हेलमेट भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि बच्चों के साथ दोपहिया वाहनों की गति सीमा अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। लोगों ने उन्हें पूछा कि एक साल बाद नियम क्यों लागू किया जाएगा, क्यों नहीं अभी? परिवहन अधिकारियों ने कहा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने नियमों को निर्देशित किया है। बच्चों के लिए यह हल्का हेलमेट हार्नेस होना चाहिए। वयस्क भारी हेलमेट पहन सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं। एक बार जब नियम BIS द्वारा बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा तो कंपनियां निर्माण करना शुरू कर देंगी, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं है, इसे होने में समय लगेगा। तब तक भारत को यूरोपीय मानकों का पालन करना होगा। एक बार BIS नियम बना लेगा तो हम भारतीय नियमों का पालन करेंगे। सेव लाइफ फाउंडेशन के स्थापनापक और मुख्य कार्यकारी पीयूष तिवारी ने कहा कि यह एक महान विचार है। यह फाउंडेशन सड़क सुरक्षा और सुधार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सड़कों पर हर दिन कम से कम 30 बच्चे मारे जाते हैं। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए वयस्कों को पीछे बैठे बच्चों के साथ सवारी करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।